हमने एक और आंकड़ा जुटाया, सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री की पसंद कौन, क्योंकि राजस्थान के चुनावी नतीजे वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी छाप छोड़ेंगे। तो पसंद में 63% लोगों की, राजस्थान वासियों की पहली पसंद मोदी, और राहुल गांधी 22%। ये मोदी बनाम गहलोत भी होगा क्या? मोदी बनाम गहलोत होगा तो नतीजा बता चुके हो। राजस्थान की जनता का तो एक ही लागला है, वो है अशोक गहलोत, क्योंकि वो जनता के बीच में रहता है। अगर राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे, सड़क की करानी होगी, पोल लगवाना होगा, पानी का प्रबंध करना होगा, ERCP लेके आनी होगी, जनता को बिजली समय पर चाहिए होगी, महिलाओं को गैस का सिलेंडर चाहिए होगा, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए होगा, राइट टू हेल्थ चाहिए होगा, 25 लाख रुपए का बीमा चाहिए होगा, तो चिरंजीव योजना चाहिए होगी, तो वो दिल्ली में किसके पास जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे? अशोक गहलोत तो यहाँ बराबर में रहता है, जनता के बीच में। एक वो फिल्म आई थी, आप फिल्मों के लिए ज्वेलरी डिजाइन भी करते हैं, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, आपको भी ध्यान होगा दर्शकों, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, सेल्समैन बन गए हैं अशोक गहलोत की, ग्रेट इंडियन सेल लगा दी, ले जा 500 में सिलेंडर, ले जा 100 यूनिट बिजली फ्री, ले जा सब कुछ, आखिरी 6 महीने में याद आता है, सेल्समैन बन जाते हैं। पूरे पांच साल जनता को लाभ मिला है और जनता जय जयकार कर रही है, इसलिए कि ये डिमांड थी लोगों की, एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ के जो हम रेवेन्यू कमाते हैं उसको खर्च करने की जिम्मेदारी जनता के उत्थान के लिए, जनता के लाभ के लिए हमारी है। युवाओं को कैसे नौकरी मिले, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे खिलाड़ी आगे पहुँचे, हमारे यहाँ ओलंपिक खेलो। तो आपकी ताल ठोकने की बात हो गई, जनता अपने मुद्दे बताएगी, मुद्दे मैंने इसीलिए रोक रखे हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल 16 जुलाई से सुमन जी ये कहते आ रहे हैं, अरे रेवड़ियां मत बांटो, देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा, कर्ज लेकर घी पीने की आदत छोड़ दो, पर 500 में सिलेंडर देते हैं, 25 लाख का बीमा कराते हैं, तो प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ जाता है कि हमारी भी सरकार आती है तो ये योजनाएं जारी रखेंगे, मतलब योजनाएं ठीक हैं। संदीप जी, आपको याद दिलाना चाहूंगी मैं, आपने कोट तो कर दिया उनके डायलॉग को, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि देखिए ये सरकार आंकड़े और सर्वे नहीं, मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं कि हमारी सरकार चली जाएगी तो हमारी योजनाओं को ये बंद कर देंगे, यानी वो मुख्यमंत्री प्रदेश की घोषणा कर रहा है कि हम तो जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री आप रेवड़ियों के खिलाफ हैं, आप इसे मेवा कहते हैं, सेवा नहीं कर लेने दीजिए, रेवड़ियों के खिलाफ नहीं है, जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि हम जा रहे हैं भाई, हमारी याचना करें हमारे देश के, हमारे राज्य के नेताओं से कि हमारे योजनाओं को बंद मत करना। और जहां तक 500 का सिलेंडर अशोक अलॉट करते हैं तो 200 घटाने पड़ते हैं, फिर 100 रुपए दाम, सुनिए ना, जहां तक योजनाओं की बात है, इन योजनाओं के नाम बदल देने से उस पे कोई तिलक गहलोत साहब की नहीं लग जाएगी, जो योजना बीजेपी से सीख रहे हैं, कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदल दिए बीजेपी, नहीं जो राजस्थान में योजनाएं चल रही थी, गहलोत साहब 4 साल तक कुर्सी का खेल खेलते रहे तब तो याद नहीं आया, लेकिन आनन फानन में, जैसे हमारी अन्नपूर्णा रसोई थी, इन्होंने उसको इंदिरा रसोई कर दी, हमें आपत्ति नहीं, हम लोग महिलाओं को मुखिया मान के, हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिलाओं को मुखिया मान के योजनाएं चलाई, उस योजना महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, इसमें किसको आपत्ति है, ना हमको आपत्ति है ना आपको आपत्ति है। अभी लोगों के मुद्दों पर भी आते हैं, एक मिनट सुमन जी, हाँ करिए, मुझे आप समय कम दिए हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सब टाइमर लगा के बैठते हैं कि बराबर का समय, मैं इसलिए दावे से कह रही हूँ कि यहाँ की आप तालियों पे मत जाइए, सरकार ने पिछले 5 साल में जिस प्रकार का माहौल राजस्थान में बनाया, इस सुंदर प्रदेश को राजस्थान ने एक नाम दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने एक नाम दिया, उस नाम को हम रेपिस्तान कहते हैं, हमें शर्म आता है कि मैं इस राजस्थान में रहती हूँ जहाँ बहन बेटियाँ प्रति घंटे बलात्कार की शिकार हो रही हैं, और राजस्थान के इस सदन में बैठ के मुख्यमंत्री के सहयोगी कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। मणिपुर के बारे में भी कुछ बोले, सुनिए हम राजस्थान की बात करूंगी, हम मर्दों के प्रदेश में रहते हैं, मणिपुर के बारे में कुछ बोलेंगे, मणिपुर में भी जो हुआ उसको हम लोग डिनाय करते हैं, वहाँ जो चीजें हुई उसको कंट्रोल करने की ये बात कही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।